सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालत में भारी मात्रा में गौमांस मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि गौमांस को अजबेगा लाइन चिमनी से बरामद किया गया, जिसको लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने एक आरोपी की जमकर पिटाई की। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। बताइए तो, हमारे गांव के लेबर साहब चिमनी पर कुछ काम करता है, उन लोगों को मालूम था कि यहां मांस बराबर लाता है, लोग बेचता है और खाता है। ये लोग सीआईडी में आज था, मालूम हो गया कि निकला है तो सीआईडी में था। बच्चे लोग वहां खेल रहे थे, इतने में ये लोग तीन आदमी गौ मांस लेकर के गुजर रहा था, इतने बच्चा सब उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में हम लोग को पुकारा, हम हल्ला किया, हम पहुंचे तो तीनों को पकड़े, नाम पूछे तो कुछ बताए, तो उन्होंने कहा कि सहरसा बस्ती से हम लोग लाते हैं, और वो अपना नाम भी बताए। पहले का नाम था रियाज अली, दूसरा का नाम था ताराचंद अली, और तीसरे का नाम है रमजान। जो भी कानून है नियम है उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। क्या लग रहा है सर? लोगों को लग रहा है कि गौमांस है, पुलिस जो है उसमें अनुसंधान कर रही है, जो उसके लिए नियम है उसके अनुसार कार्यवाही की। कहाँ से बरामद हुई है सर? लोग यही चिमनी से। फिलहाल पुलिस तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, और हालातों को देखते हुए चिमनी पर पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट।